तो हाँ बे बॉयज एंड गर्ल्स के हाल बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर क्यू ए ये बहुत ज्यादा लोग मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे वो से बार बार इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे कि यार आप कब अपने ना क्वेश्चन वाली स्टोरी दोबारा लगाओगे एंड वेर कैन बी एस यू द क्वेश्चन तो मैंने आजकल देखे ये चीज बहुत हाई डिमांड में आ गई है आई मीन पीपल स्टिल वॉन्ट माई व्लॉग और ब्लॉग भी आते रहेंगे मैंने ब्लॉग को ना भी थोड़ा सा ब्रेक में रखा हुआ कोई ना कोई इवेंट होता रहेगा मैं लगाता रहूंगा लेकिन मैंने कहा कि सिंस आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है और यूट्यूब पर यूजली लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ इनफॉर्म इनफॉर्मेशन के लिए आते हैं तो मैंने कहा फिर क्यों ना मैं आपको जितनी इफॉर्मेशन हो सके उतनी आपको इफॉर्मेशन दूँ तो अगेन मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई और अगर आप लोगों ने मुझे उधर फॉलो नहीं किया तो कर सकते हो जाके एज यू कैन सी आई अ लॉट ऑफ क्वेश्चन ये आप सारे चेक कर रहे हो तो अगेन जिन लोगों के सवाल आंसर नहीं हो पाते आई कैन ओनली डू सो मच सबसे पहले मैं एक जल्दी से एक सवाल आंसर कर लेता हूँ मेरे से फिजा ने भी पूछा है कि वाई डोंट यू लव मी तो कहती मेरा आंसर जरूर करना क्वेश्चन का ये जिस जिस बंदे की शादी हुई ना उस ऑलमोस्ट हर बंदे की कहानी है उनकी बीविया उनसे दो तरह के सवाल पूछती है वाई डोंट यू लव मी यू हेट मी इसको मैंने एक टर्म दिया है जो कि है पोकीमोन ब्रेन क्योंकि जिस तरह पिकाचू चुनी बार बार पिका पिका बोलता इस तरह लड़कियों के साथ क्या होता है ओवर द टाइम उनका भी ब्रेन पोकीमोन की तरह डेवलप हो जाता है जहाँ पे वो भी सिर्फ यही कहती रहती है जब नेक्स्ट स्टेज पे एवोल्यूशन होती है इनकी स्टेज वन पे तो आई डोंट थिंक यू लव मी और फिर जब तीसरी स्टेज पे पहुंचते हैं चार वाली फिर ये कहती है कि आई थिंक यू हेट मी तो टेंशन नहीं लेनी मैं रोज़ सुनता हूँ फिदा से और मैं रोज़ इसको बताता हूँ आई लव हर लेकिन इन्होंने तो कसम खाई हुई है दो सेकेंड बाद भूलने की मेरी फीमेल बेस्ट फ्रेंड मुझे डिफरेंट हिंट्स देती है वो मेरे दोस्त की जी क्या बोला दोस्त की जी एफ डेट इज वेरी रॉन्ग माई फ्रेंड वेरी रॉन्ग अगर तुम तो मुझे फॉलो करते हो और तुम्हारा माइंड सेट ये है कि तुम्हारे दोस्त की बंदी है उसके साथ तुम बेस्ट फ्रेंड बने हुए हो तो पहली बात तो मैं वैसी मना करता हूँ कि किसी लड़का लड़की को बेस्ट फ्रेंड नहीं होना चाहिए बेस्टीज की तरह बातें नहीं करनी चाहिए इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए वैसे इफ यू आर अ ग्रुप वो एक अलग बात है कैजुअल लाइक ये नहीं की उससे बेस्ट सबॉर्डिनेट हर बात उससे शेयर करो एज अ फ्रेंड एक ग्रुप होता है जैसे मैं और मेरी वाइफ हम हैंग आउट करते हैं उसमें लड़कियां भी लड़के भी होते हैं इस तरह का कह रही है मैसेज वगैरह मैं तो कहता हूँ अगर मेरा कोई दोस्त बंदी आगे मुझे कोई इस तरह की बातें करेगी ना मैं तो बता दूंगा इससे बच जा अगर तेरे चार साल वेस्ट भी हो रहे हैं कुछ नहीं होता आगे पचास साल बच जाएंगे हाउ टू गेट ओवर सम वन बिल

भी अठारह साल से ग्रो ही नहीं किया कभी बच्चों वाली बात करते हैं इम मेच्योर हरकते करते हैं औरतें भी इमेच्योर हरते कर होती है बड़ी बड़ी हो जाती है लेकिन वो ग्रेस नहीं रहती उनके अंदर ना वो एक अदब अदाब नहीं होते बच्चों की तरह बच्चों के साथ डांस कर रही होती है मैनर्स नहीं होते टेबल पे बैठने के किसी से बात करने के लोगों से डील नहीं करना आता इमोशनल डिसीजन लेते हैं जो तो लोग कहते ना हमारा ई बहुत हाई है भाई इ के हाई होने का मतलब ये है कि हाउ मच कैन यू कंट्रोल योर इमोशन हाउ मच कैन यू कंट्रोल योर डिजायर कितना तुम आगे जा सकते हो टू डू

किसकी केमिस्ट्री तुमने पढ़नी है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन मोल्स की बात करो हाउ टू डेवलप केमिस्ट्री के बच्चे केमिस्ट्री जो है ना आपकी वो ओवर टाइम डेवलप होती है देखो टाइम बिल्ड केमिस्ट्री यू के नॉट बिल्ड के टैंगल तो चल नहीं रही वो जो पंजल वाली मूवी है कि एक दिन में तुम्हारे इतने एडवेंचर हो गए कभी तुम पत्थरों में फंस गए कभी तुम्हारे पीछे घोड़ा चेज कर रहा है कभी तुम्हें थग्स मिल गए लेंट एन रात को तुमने खोल लिया और फिर तुम लोगों का प्यार हो गया अगले दिन शादी रियल लाइफ में केमिस्ट्री टेक्स टाइम ठीक है चौबीस घंटे होते हैं एक दिन के अंदर तो ओवर टाइम छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है थोड़ी सी आपकी

तुम्हें एक यहाँ से पंच आता है, तो तुम यू डॉच करके ना दूसरा मारो इट्स बैक एंड फोर्थ बॉक्सिंग गेम चल रही है राइट तो तुमने उसको कोने लेके जाके इतने घूसे नहीं माने रख रखे कि कोने पर फंसा लो जिस तरह तुम बमबार्ड करने लग जाओ उसे इंसल्ट से या बमबार्ड करने लग जाओ उसे सिंपनेस से तो मतलब कि अगर तुम्हें कोई हाइट की बात तुम्हें करती है तो तुम आगे से कह सकते हो उसे कि यार तुम्हारे बाल आज बहुत क्यूट लग रहे हैं वैसे ओके कि अच्छा तो यूं जाके ना उसकी यूँ मूछो को हाथ लगाना उसका करके होंगी भी नहीं ना चेक करना उसका रिएक्शन <laughs> it's just that you don't feel bad whenever she talks about tall guys and call you short, take okay? At the end of the day, bed is height. चौहल लाइन सीक्रेट डाइट प्लान हाउ केन आई रिड्यूस फेस फैट ये मैं बार बार लोगों को कहता रहता हूँ की आप स्पॉट रिडक्शन नहीं कर सकते अगर मेरे मुंह तुम्हें पतला लगता है खाने हैं जो कि तुम सब्सिट्यूट कर सकते हो अपने नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट से वाइट ब्रेड खा रहे हो तो लो कैलरी ब्रेड या ब्राउन ब्रेड पे आ जाओ क्योंकि ब्राउन ब्रेड लेट डाइजेस्ट होती है था? चावल खा रहे हो तो चावल को अवॉइड करके उन खाने के साथ वेजिटेबल्स देना शुरू कर दो भर बर्के और एक सादी रोटी लो सुबह उठते हो ठीक है तो ओटमील खाओ ओट मिल के ऊपर कोई केला वेला डाल के या फिर साथ प्रोटीन प्रोटीन शेक उसके लो बिकॉज जो है ना इट्स वेरी गुड फॉर यू बिकॉज प्रोटीन आपको जल्दी फिलअप कर देती दे। कार्ब्स होते हैं जल्दी प्रोसेस अंदर जो व्हाइट कार्ब्स होते हैं तो उनको तुमने अवॉइड करना है बट कम्प्लीटली छोड़ना नहीं क्योंकि कार्ब्स ही है जो तुम्हें जिम में एनर्जी देते हैं कैलरी कैलकुलेटर पे जाओ हाइट डालो अपना वेट डालो और अपनी एक्सरसाइज रूटीन डालो और वो तुम्हारी तुम्हें मेंटेनेंस बता देगा उससे दो तुम रोज कम खाओ माई हस्बैंड डिवोर्स मी बिकॉज उसकी पुरानी मोहब्बत वापस आ गई

आप वर्क तो करते रहोगे लाइफ में लेकिन आपको एक सेफ लाइफ और एक खाने पीने की और छत की लाइफ गारंटी होगी अमेरिकन ड्रीम जो शुरू हुई थी ना वो इसी स्ट्रक्चर पे शुरू हुई थी लेकिन 70s और 80s में सीन ये हुआ था you know, था कि यू नो गोल्डन एरा उस वक्त वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी उसके बाद जब बेबी की जब जनरेशन शुरू हुई थी तो अमेरिका वो प्रॉस्परिंग न्यू फैक्ट्रीज खोल दी थी एम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा था वर्कर्स कम थे फैक्ट्री वर्कर भी उस टाइम पे पांच बच्चे अपने कर सकता था और पांच बच्चों को फैक्ट्री में काम करते हुए संभाल सकता था विदाउट एनी इशूज उसकी को भी काम नहीं करना पड़ता था और इनफैक्ट उसको औरत भी मिलती थी उसके भी पिछले पंद्रह रिलेशनशिप नहीं होते थे प्योर सब कुछ चलता था पहले एंड 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 यू यू कैन कैन बाय बाय अ अ अ कार वेरी गुड अपार्टमेंट हाउस नाउ द द वेजेस सैलरी इज नॉट कीपिंग अप विद इन्फ्लेशन अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गए तो आपको को कोई ना कोई साइड हसल इवेंचुअली करनी पड़ेगी अगर आपकी बहुत हाई पेइंग जॉब नहीं है बहुत से लोग अब बिजनेस एंटरप्रीनशिप की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि और मुश्किल होता है लेकिन उसमें फ्रीडम ज्यादा एट द एंड ऑफ द डे हर आदमी को फ्रीडम चाहिए फ्रीडम ऑफ टाइम फ्रीडम ऑफ मनी एक अलग चीज है डॉक्टर्स होते हैं उनके पास फ्रीडम ऑफ मनी होता है दे अर्न अलॉट बट दे डोंट हैव फ्रीडम ऑफ टाइम सो दैट्स व्हाट यू शुड स्ट्राइव फॉर लड़कियों से इंटरेक्शन नहीं करनी आती हाइड माय नेम नहीं बताता तुम्हारा नाम देखो पहली बात तुमने दिमाग में ना सोचो कि लड़की जो है ना कोई वो आसमान से उतरी हुई कोई डीटीए ठीक है थीके? तुम्हारी तरह वो भी जाके वॉशरूम में

इस पे मैंने दो वीडियो की सीरीज बनाई थी नंबर वन क्वालिटी को देख लो चीज होती, होती है लेकिन ओवर टाइम जब आप लाइफ में एक्सपीरियंसेस जब आप रिस्क ज्यादा लेते हो लाइफ के अंदर कैलकुलेटेड रिस्क उस तुम्हारे एक्सपीरियंसेस नए नए बनते जाएंगे जब नए नए एक्सपीरियंसेस बनते जाएंगे तो तुम्हें समझ आएगी लोगों की साइकोलॉजी और जब लोगों की साइकोलॉजी समझ आएगी उसकी

सबकी जिंदगी में कोई ना कोई मसले अपने चल रहे होते हैं नंबर थ्री जो भी तुमने के किया, जिन चीजों में तुम अभी अच्छे हो उन चीजों में तुम एक टाइम पे बुरे थे मिल रही है उस मिस्टेक पे, जो जो भी हेट तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो इफ नॉट फॉकट बात खत्म अपनी शर्ट बदली है क्योंकि इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे लगा तुम लोग कहेंगे तो कॉन्टेंट है हाउ टू स्टॉप बींग इमोशनल इज इट नेचुरल वेरी गुड क्वेश्चन देखो इमोशनल कंट्रोल जो होता है ना वो आपको आपका बाप ही सिखाता है और अगर आपका बाप घर में स्ट्रॉन्ग फिगर है घर में एक सेट लॉ एंड ऑर्डर रखा हुआ है वै है और वैल्यूज रखी हुई घर के अंदर तो इमोशनल कंट्रोल आप नेचुरली सीख जाते हो नाउ इज अ प्रॉब्लम क्योंकि हम इस डे एंड एज में रह रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ा मसला हुआ कि हमारे पास था हॉलीवुड और बॉलीवुड का एक्सेस आपको बताने की कोशिश की है की औरतों को तो ये वीक और वनरेबल और उसका आदमी पसंद होता है सोसाइटी को भी यू you नो know, आप रो रो के दिखाओ ये वीक और वर्नरेबल होना ये बड़ा सेक्सी होता है मेन शुड क्राई टू

निकाल सकता है जो लाइफ में नेचुरली स्टोइक एट आई हैव अ जेन्युइन क्वेश्चन व्हाई मेजॉरिटी ऑफ द ओवरसीज देसीस पीपल आर अग्ली एज़ फक ये तो मेरी बात कर रहे हो टू बी फेयर मैं यूएस में था 2017 में एज़ अ कॉलेज स्टूडेंट ठीक है तो मैं ओवरसीज पाकिस्तानी में क्वालीफाई नहीं होता

भाई अगर आदमी आपको मुंह नहीं लगा रहा है घास नहीं डाल रहा ना तो गिव हिम स्पेस स्पेसर तुम लड़कियों को बुरा लगता है ना कि कोई सेम तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है पढ़ा रहता, रहता मैसेज में करता है लड़कों को भी जो कि एक स्टेटस पे होते हैं जिनके पास ऑप्शन होती है दे गेट एनॉइड जब आप उनको बार बार तंग करती हो तो अगर उसको कोई आपकी चीज पसंद आ गई है तो वो आपको खुद बता देगा अगर नहीं बता रहा देन ही प्रोबेबली यू सो यू हैव टू एज अ दिस हार्ट है अगर तुम्हारा एक बंदा तुम्हें रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा फीलिंग्स देन यू नीड टू मूव ऑन

एंड यू फील अनकंफर्टेबल विद रिलेशनशिप देन ब्रेक इट ऑफ एंड गो मैरी द समवन जो कि रेडी है मैरेज के लिए वाई यू डोंट मेक स्टाइलिश वीडियोज फॉर गर्ल्स क्या तुम्हें अब घाघरा फ्रॉक पहन के दिखाऊं मैं क्या करूं मैं ड्रेस पहन के दिखाऊं मतलब पहन के दिखाऊं तुम्हें अगर तुम चाह रहे हो कि मैं फिजा को स्टार्ट करवा दूं इंस्टाग्राम पे आने का तो आई 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 एम नॉट विद फिजा कमिंग अप एंड ड्रेसिंग शोइंग दिस इज आउटफिट ऑफ द द डे नो डोंट थिंक कैन डू दैट बेस्ट एडवाइस बिफोर चूजिंग लाइफ पार्टनर मेल और फीमेल दोनों के लिए बताता हूँ फॉर मैन आपने औरत के अंदर देखना है की द केयरिंग एंड नर्सिंग टाइप ऑफ पर्सन पोलाइट है मतलब उसमें से ये रैचेड वाली वाइब्स ही आनी चाहिए और वो जो ये रेप आउट फॉर एनी गर्ल देर लाइफ नोट किया रिपीट तो ना करे चीजर कोई लड़का उससे अप्रोच करता है कोई बात करता है तो तुम्हें वो बताती है चीजर अगर कोई आदमी उसको हक करने की कोशिश करे तुम्हारे सामने एनसी खुद ही

Good time. Yeah, these are some of the most important things that you should look for. Should I give another chance to my girl because I left her after I caught her with her ex on call? Will she change?

नहीं होता लोगों का मंगनियां होती है तीन तीन चार चार साल की कुछ की तो मंगनियां भी नहीं हो रही टांगा वह काम पहले मैं पी एच डी खत्म कर लू पहले मैं बैचलर्स पहले मैं ये कर लू उसके बाद हम देखेंगे आई मीन एट द एंड एंड ऑफ डे सब में सेल्फ कंट्रोल इतना नहीं होता और इवेंचुअली जब आप मिलते हो यू अप डूइंग समथिंग विद एक दफा जब औरत कर लेती है ना किसी के साथ का एक तरह से चाका खुल जाता है फिर वो एक बंदे के साथ करती है एक से कर लिए अब दूसरे से कर लेंगे फिर तीसरे से कर लेंगे तो so, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए पहले जल्दी शादियां उनकी कराई जाती थी या किसी एज पे जाके शादी प्रॉमिस होती थी अब थिंकिंग बदल गए कि फेमिनिज्म राइज हाँ, इन इस दौर में वर्जिन वुमेन जिसकी तुम बात करो मुश्किल है ढूंढना लेकिन स्टिल हु 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 आर आर प्योर नाइस विल बी लॉयल टू यू अगर तुम उनको चांस दोगे अ लॉट ऑफ वुमेन आर देर यू जस्ट हैव टू ओपन योर थर्ड आई एंड लुक अराउंड कुछ क्यूज होते हैं औरतों के जो तुम्हें पकड़ने होंगे जहां से तुम्हें पता चल जाता है कि इसने पास्ट में क्या इसके सीन चले हैं मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया मैं किसी भी औरत को ना देख के दस सेकंड के इंट्रैक्शन में बता सकता हूँ कि इसके सीन पहले थे कि नहीं किसी और वीडियो में बात करूंगा डोंट लूज होप देर स्टिल अ लॉट ऑफ वुमेन प्योर एंड दे वॉन्ट टू बी प्योर और वो उस बंदे के साथ करेगी जिनसे उनकी शादी होगी so बहुत देख लो यहाँ पे लगा होगा मेरी घड़ी का बहुत लोग पूछते हैं तो ये थर्टी फाइव एम एम ग्रीन डायल एंड आई डोट्स मूसा खाना और मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे आप फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं इनकी रील्स भी लगाऊंगा और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन को मैं फिर आंसर करूंगा जो रह गए थे ठीक है सो इट गिव्स यू अ रीजन टू फॉलो देयर आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय